नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। सहारनपुर में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें जमाल साबरी को महासचिव, मोहम्मद राशिद जंग को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चौधरी राजदीप सिंह, राव मुनम्बर, अदनान चौधरी, राव समीम को उपाध्यक्ष बनाया गया। समाजवादी कार्यालय पर सहारनपुर जिला कार्यकारिणी योजना सभा की घोषणा करी, इसमें जिला अध्यक्ष उपिन चौधरी, महासचिव जमाल साबरी, जिला उपाध्यक्ष राशिद चौधरी, सचिन भारद्वाज, जिला सचिव अकबर अंसारी, गौरव शर्मा और बाकी सब साथियों की। सहारनपुर में आज राष्ट्रीय लोक दल की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी सत्यपाल सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों के बिलों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरकार ने अन्याय करते हुए 1.5 गुना विद्युत बिलों को विभाग द्वारा भेजा गया, जिसको किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिजली के खिलाफ बिजली एक आंदोलन चला था, बिजली के बिलों को ठीक करवाने के लिए तो आंदोलन चला था, उसमें तय हुआ था कि किसानों के बिल ठीक करने के लिए विभाग कार्रवाई करे और जांच मौके पे जाके गांव दर गांव जाके जांच करके उनको ठीक करने का काम करे। किसान का जो 1.5 गुना किया गया है बिल, तो ये जो ट्यूबवेल है आपासी के लिए पानी सिंचाई के लिए, इनका 1.5 गुना किया गया, किसान इससे प्रताड़ित महसूस करता है। अगर ये वापस ना लिया गया तो किसान मजबूर होगा सड़क पर उतरने के। सहारनपुर मंडलायुक्त चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने आज शहर में घनी आबादी के बीच स्थित क्षतिग्रस्त कुमरान पुल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि यहां तत्काल नए पुल के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक यातायात को भी निर्देश दिए कि कुमरान पुल के निर्माण शुरू होने से पहले यहां से गुजरने वाले यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, वहीं निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता और मानकों का ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि कुमरान पुल की चौड़ाई 18 मीटर होगी। इस अवसर पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।